तो दोस्तों आइए देखते हैं एक स्पेशल वीडियो। ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें जितनी भी भैंसे कवर की गई हैं वो सभी पहलवान झोटियां हैं, यानी कि फर्स्ट लैक्टेशन मुर्रा बफलोज हैं। ये वीडियो बनाया गया है सोनू जी के डेयरी फार्म पर। सोनू जी का जो फार्म है ये पंजाब के विलेज जैतो सरजा तहसील बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, और दर्शकों की रिपीटेड डिमांड आती है कि इनके फार्म के वीडियोस शेयर किए जाएं। आज हमने इनके फार्म के बाहर का भी एक कवरेज किया है ताकि आपको एरिया का भी कुछ अंदाज़ा लग सके कि ये कहां पर है। इस वीडियो में जैसा कि मैंने शेयर किया सिर्फ और सिर्फ पहलवान झोटियां हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड वीडियो हमने बनाया है। हम इस किस्म के वीडियोस अपने चैनल्स पर रेगुलरली शेयर करते रहते हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नई वीडियोस की जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका जी? मेरा सोनू नाम जी। अच्छा, ये गांव कौन सा है भाई? जैतो सरजा भाई। जैतो सरजा, जिला कौन सा पड़ता है ये? गुरदासपुर। तो इस टाइम आपके पास में कितनी भैंस बिक्री के लिए अवेलेबल हैं? भाई जी मेरे पास 15 भैंस ताजी है। इस टाइम 15 भैंस बिक्री के लिए तैयार हैं। हाँ जी। और सारी की सारी पहली बार की दूसरी बार की कैसी हैं ये? एक दूसरी बयान की है, बाकी सारी पहले सुबह की। अच्छा, सारी ही पहली बार की हैं, एक ही भैंस है जो दूसरी बार ब्याई हुई है। ठीक है, तो ये कितने से कितने दूध वाली भैंसे हैं? भाई जी मेरे को 10 किलो तो लेके 16-17 किलो दूध तक हूँ मज कोल है। 10 किलो से 16-17 किलो दूध तक की भैंस है जो कि दो टाइम चुवाई करके यहाँ से खरीदी जा सकती है। हाँ जी हाँ जी, इतने दो टाइम चुवाई करके भाई जी देंगे। अच्छा, मंडी वाला कोई काम नहीं है, डक के दो तीन दिन चोनी नहीं मई डक के तो फिर कह देना कि तो इन्ना दूध दिया। दो टाइम तसली करो, तीन टाइम तसली करो, अपन टाइमो टाइम चुवाई करो। ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਚੋਈਆਂ, ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਚੋਣੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਅਭੀ 2 ਵਜੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਇਨਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੰਦਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਮੇਂ ਹਰ 12 ਘੰਟੇ ਕੀ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਆਈ ਕਰੇ ਔਰ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਸੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, 10 ਕਿਲੋ ਸੇ 16-17 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕੀ ਭੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਨਕੀ ਜੀ? ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 65,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 65,00,000 ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀ ਸਾਰੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਭੈਂਸ ਇੱਕ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਰਾ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਹੈ? ਇਹ 4 ਦੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ 4 ਦੰਦ ਦਿਖਾਣਾ ਜਰਾ। ਚਲ ਕੋਈ ਇਹ 4 ਦੰਦ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਚਲਾ ਦੇ ਚਲਾ ਦੇ। ਇਹ 4 ਦੰਦ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਕੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੂਈ ਨੂੰ। 12 ਦਿਨ ਕੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਭੀ ਇਹ 8-9 ਘੰਟੇ ਕੀ ਦੂਧ ਹੈ ਇਸਕੇ ਨੀਚੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਅਤੇ 1:10 ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਝੁੱਟ ਕੇ 16 ਕਿਲੋ ਆ। 16 ਕਿਲੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕੀਮਤ ਬਿਨਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੇ 1,10,000। ਹਾਂ ਜੀ। ये जो भैंस है जी इसकी क्या पोजीशन है? ये 2 दंद है भाई जी। 2 दांत? हाँ, वेरी गुड। पहला सुबह 2 दंद, पहले ब्याज की 2 दांत। 2 दांत में कितनी उम्र मानते हो जी? 2.5 साल होंगे भाई जी। 2.5 साल लगभग 30 महीने की है। हाँ, तो ये कितना दूध होगा जी इसके नीचे? तो हुण 13 किलो बोला ही है जी, खीर सी 13 किलो है। 13 किलो, ये कितने दिन की ब्याई हुई है अभी? ये आज 7 दिन हो गए नु भाई जी। अच्छा, अभी 7 दिन के दूध फट रहा है अभी। हाँ।
इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए जी? ए भाई जी 1,05,000 दे देंगे जी। 1,05,000 में मिलेगी ये? कितना दूध करने की उम्मीद है? ए भाई जी 16 किलो, 16 तो प्लस रहेगी। अच्छा ये 16 से ऊपर रहेगी पहले सूए में? हाँ। और ये जो वैसे भाई? ए पाजी दूजा सूआ जी। अच्छा ये सेकंड लैक्टेशन है? हाँ जी। ठीक है आज ये नु सुई नु 5-6 देनी है जी। खोल खोलो जरा। ये कितने दिन की वेज होगी भाई? ये 6 दिन हो गए जी भाई नो। अच्छा बोला ही आई थे लिखी सी है तो 15 किलो बोला ही आई। 15 किलो बोली है अभी दूध फट रहा है इसका। हाँ। ठीक है ये कितनी कीमत रखती है जी? 1,15 दी देंगे भाई जी। अच्छा ये भी 1,10,15,000 रुपए की है। हाँ जी। ये छोटी? ये खीरी है जी कटी। अच्छा अभी दूध दांत है ये? नहीं खीरी है जी। खीरी दूध दांत ही होती है? अच्छा 2 साल की है भाई जी। 2 साल टोटल उम्र? हाँ जी। चला दिया? ये भी चलाओ जरा। ये भी पहली बार की भी है ये? हाँ जी पहली बार की भी। 2 दांत? 2 साल की खीरी है जी। अच्छा 2 दांत है ये? अभी तो बिना दूध दांत तोड़ा ही नहीं है इसने। दूध के दांत है? दूध के दांत में है ये। हाँ। अच्छा इसकी कितनी कीमत होगी जी? ये 85,000 की भाई जी दे देंगे। ये 85,000 में मिलेगी। और अभी दूध कितना है इसके नीचे? 12 किलो खीसी है जी। 12 किलो तैयार हो चुका है। ये कौन सी है जी? ये पहली बार की? ये पहली ब्याह की है भाई जी। 2 दांत है ये? 2 दांत? हाँ। अच्छा इसका कितना दूध 2 टाइम में नापा जा सकता है? ये तो को 11 किलो दूध है भाई जी। 11 किलो 2 टाइम में दे देगी? हाँ। ये कितनी कीमत रखती है जी? ये 80,000 की। ये 80,000 रुपए की है। चला दें? चलो कोई नहीं चला दो। आराम दो। ये भी पहली बार किया जी? हाँ जी ये भी पहली बार किया भाई जी। 4 दांत है। 4 दांत। इसके नीचे कितना दूध होगा जी? 10 किलो है। 10 किलो है ये? हाँ जी। ठीक है इसकी कितनी कीमत है? ये 75,000 दे देंगे भाई। ये 75,000 रुपए की। और ये जो एक नीली रावी क्रॉस टाइप में दिख रही है भाई, ये भी पहली ब्याह के भाई जी? 4 दांत है। अच्छा ये भी 4 दांत है? हाँ जी। ये कितने की होगी भाई? ये 65,000 दे देंगे भाई। 65,000 रुपए में मिलेगी ये? ये तो 11 किलो दूध है। 11 किलो 2 टाइम का दूध निकाल के।
ये वाले जी ये पहली ब्याज चार दंद आई चार दंद हाँ जी ये को भी 11 किलो दूध आई ये भी 11 किलो दूध निकाल के दे सकते हैं हाँ जी ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ 70000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ 70000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ